साथियों आदाब, आपका इस्तकबाल हमारे चैनल शमा उर्दू हिंदी में। आज हम पढ़ेंगे NIOS क्लास 10 TMA यानी असाइनमेंट पेंटिंग का, उर्दू में। वो भी बहुत आपको मुबारकबाद के उर्दू में आपके लिए बनाया जा चुका है। तो चलिए शुरू करते हैं। सवाल नंबर एक, मशहूर मुसव्विर आगस्ते के शाहकार के बारे में लिखें और बताएं कि इस शाहकार के जरिए क्या पैगाम देना। मुसव्विर आगस्ते 1876 में मिलन डे लॉगलेट को बनाया था। इस पेंटिंग में नौजवान लोगों को पेकिंग, नाचने और पार्टी के लुत्फ लेते हुए दिखाया जा रहा है। वे इस शाहकार में उन्होंने जिंदगी में जीने वाली तस्वीर पेश की। उन्होंने पेरिस में समाज की अक्कासी की। दूसरा सवाल है कि देगा पेंटिंग के चार अहम खसूसियात लिखिए। इसका जवाब है देवका की तस्वीर की चार खूबियाँ। देवका की ज़्यादातर पेंटिंग बेल आर्ट पर मुनासिर है। पेंटिंग बेला रेना नाच और उसकी मश्क पर मुनासिर है। देगा के दीगर इंस्पिरेशन से मुख्तलिफ थे क्योंकि इंसानी तस्वीर में उनकी दिलचस्पी थी। उन्होंने अपनी पेंटिंग में रियल लाइफ को अपनाया। तीसरा सवाल है कॉलम पेंटिंग में इस्तेमाल की जाने वाली मोशिव क्या है। कॉलम पेंटिंग के तर्ज तरीक़े को बयान कीजिए। इसका जवाब है कॉलम पेंटिंग में कई डिज़ाइन और सांचे हासिल होते हैं। क्लासिकी और मजहबी के साथ साथ इसे मुकम्मल तौर पर मिलाया जुलाया जाता है। इस सब को एक साथ मिला दिया गया है। तस्वीर में मछली, परिंदे और दीगर जानवरों को एक साथ मिला दिया गया है जो इंसान और जानवर को एकता की मिसाल है। कॉलम पेंटिंग बनाने का तरीका, सूखे चावल को आटे को अंगूठे व तिरछी के बीच रखकर एक शक्ल बनाए, उससे ज़मीन पर एक खूबसूरत शक्ल बन जाती है। सवाल नंबर चार, फनकार मोहन्स ने अपनी पेंटिंग वॉरिटी में क्या दिखाया है। कोशिश किए कम से कम 5-6 जुमले लिखिए। इसका जवाब है कि क्लास्टोमेंट ने कुदरत के हर बदलते मिजाज को पकड़ने वाले कलाकार थे। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में ज़्यादातर सफ़र किए। उनको ज़्यादातर उनके फूल, नाव, नदी और समंदर के नज़ारे, चट्टान के लिए जाना जाता है। पांचवा सवाल है आर्ट के मैदान में बड़े कारनामे अंजाम देने वाले हिंदुस्तान के चार मेयार फनकारों के बारे में इजहार राय कीजिए। असरी हिंदुस्तान में आर्ट में ताउन करने वाले चार आर्टिस्टों के बारे में जन गय राय, इनको बंगाल का लोक थम वाली आर्ट की मौजद कहा जाता है। अगला है, इन्होंने अपने आर्ट से रामायण और महाभारत के साथ साथ कथाओं की कई अनासिर की नक्श की। राजा रवि वर्मा, इन्होंने हिंदुस्तान और मगरबी पेंटिंग के साथ साथ इस्तेमाल किया। इनकी पेंटिंग में बहुत से नतीजे उतरे हैं। इनकी पेंटिंग को हिंदुस्तान के आला पेंटिंग में शुमार की जाती है। नंदलाल बोस, इनकी ख़ास तौर पर हिंदुस्तानी आर्ट का फादर माना जाता है। छठा सवाल है, एक मेज़, पेंसिल, कैलेंडर या किसी और किताब की खतूती तस्वीर स्केच कीजिए। छठा सवाल के अंदर जो है वो स्केच करने की बात की गई है, तो आप ये स्केच कर लेंगे इस तरह की पेंटिंग और ये आप लगा देंगे। इस तरह की पेंटिंग स्केच होनी चाहिए। काट के भी आप कॉपी भी कर सकते हैं, जैसे भी चाहे आप ये कर लें, आपके लिए ये बना दी गई है। उम्मीद है कि आपके लिए जो सवाल तैयार किए गए थे पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर। और ये जो फ़ोटो है इसकी आपको जो है फ़ोटो इमेज डाउनलोड कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में इसका मैं फ़ोटो डाल दूँगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जो आपके लिए बनाई गई है बहुत पसंद आई होगी। वीडियो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, दोस्तों में फैलाइए, आग की तरह फैलाइए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। हर नई वीडियो अपडेट के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए ताकि डेली अपडेट्स मिलती रहे। इग्नू असाइनमेंट प्रैक्टिकल, NIOS असाइनमेंट प्रैक्टिकल एडमिशन, XYZ जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है वो पूरी की जाएगी। आप हमसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, हमारा नंबर
हमारे 9136182 डबल। चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें।